नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ। शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में एक से बढ़कर एक पुख्ता इंतजाम करने में जुटी हुई है, लेकिन यहां तो धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला डबरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाराजापुर का है, जहाँ पदस्थ टीचरों को बच्चों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लंच होते ही बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं, वहीं स्कूल के समीप निकला रोड पर बच्चे घूमते रहते हैं और टीचर मोबाइल चलाने में लगे रहते हैं। बच्चों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यदि ऐसे में कोई सड़क हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर हमारे साथ अभद्रता भाषा का प्रयोग करते हैं और अपशब्द भाषा में हमें बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों को गाली गलौज करते हैं। वहीं जब मीडिया के द्वारा बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि सर हमें अश्लील गालियां देते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते नहीं है, बस मोबाइल चलाते रहते हैं और आप आते हैं तो आप लोगों को भी सर गालियां देते हैं। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर माना जाता है, लेकिन यहां पर तो टीचरों के द्वारा बच्चों को अश्लील गालियां ही दी जाती है। जब मीडिया ने टीचरों से यह बात पूछना चाही तो टीचरों के द्वारा मीडिया से की गई अभद्रता और बाइट देने से इनकार किया गया। और बात की जाए खाने को लेकर तो बच्चों को सही खाना नहीं मिलता है। जब यही बात वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराई गई तो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कौन से गांव में पढ़ने जाते हो? महाराजपुर। महाराजपुर में खाना कैसा क्या मिलता है बेटा? खाना आलू की सब्जी और दाल और दो रोटी। दो रोटी, रोटी से ज्यादा नहीं देते? नहीं। और कितनी सब्जी मिलती है? दो। दो रोटी दो सब्जी। और मांगते हो ज्यादा तो देते नहीं है क्या? सब्जी दे देते, रोटी नहीं देते हैं। अच्छा, आज खाने में क्या बना बेटा? आज आलू की सब्जी, पूड़ी और रवा। पूड़ी कितनी दी? आज हमने खाना नहीं खाया। खुश करो। कितनी पूड़ी थी? दो पूड़ी थी और मांगी थी, खत्म हो गई थी। सभी को दो दो पूड़ी थी। रोटी मिलती है बेटा खाने को? दो रोटी। आज पूड़ी कितनी मिली? पेट भर गया दो पूड़ी में? नहीं भरा। और मांगी थी? अच्छा, मांगते हैं तो देते नहीं है, खत्म हो जाती है कभी कभी, फिर जान नहीं है। क्या कर रहे थे? मोबाइल चलाते हैं। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू, कौन से स्कूल में पढ़ने जाती हो? सरकारी। सरकारी, कौन से गांव में पढ़ते हो? महाराजपुर। महाराजपुर में। आप लोग ये रोड के पास में खड़े हो बेटा, कोई हादसा भी हो सकता है, आप लोग उधर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा बेटा? सब्जी तो गाली देते हैं। सर गाली देते हैं? अच्छा, आपको भी गाली देते हैं? लड़कियों को भी देते हैं? बच्चे ना, एक दिन बच्चे लड़ रहे थे, अच्छे से समझा रहे क्या करे, तुम लोग का जग मरा गया। ऐसे बोलते हैं, जग मरा गया है? और आपसे भी कह रहे, हमसे भी बोलते हैं? हाँ। कैसे बोलते हैं? अभी कह रहे थे कि जग मारा नहीं आए मीडिया वाले हैं। अच्छा, हमको गालियां देते हैं, हम जाते हैं तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा। आप सड़क पर खड़े हो, सभी लोग, यदि कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बाहर मत आया करो ऐसे, है ना? अंदर ही आया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे क्यों अकड़ रहे हो? ऐसे क्या कर रहे हो? माइक क्यों ऐसे हटा रहे हो? क्यों पकड़ रहे हो माइक? आप ऐसे इसको नीचे हटा रहे हो, थोड़ा आप बताइए हमें, क्यों नहीं बता रहे हैं? पूछ रहे हैं आपके नाम, तुम्हारा नाम क्या? नाम क्या तुम्हारा? इधर कैमरा में जो टीवी पे देख रहे हैं उनको पता नहीं है क्या नाम है, कहाँ से क्या नाम है? देख रहा हूँ टीवी। सर तुम्हारा नाम क्या है? तो कैमरा पे को देख रहा हूँ। सर नाम क्या तुम्हारा? अरे आ जाओ, देखो तो अपन देखो। शिक्षक के द्वारा मीडिया को अभद्रता भाषा और हाथापाई भी की गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि अभी आपने महाराजपुर वाले विद्यालय की बात बताई कि मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों जो है ना स्कूल से चले जाते हैं, और जब आप लोगों ने वहाँ पर विजिट किया तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो विकास क्रम शिक्षा अधिकारी समक्ष में यहाँ उपस्थित हैं, मैंने इनको आपके समक्ष में निर्देश दे दिए और पुनः निर्देश दे रहा हूँ कि उस विद्यालय की जाकर के जाँच करें
और जो तथ्य सामने आए वो हमारे उनको प्रस्तुत करें, और निश्चित रूप से यदि ऐसा तथ्य ऐसा कि आप बता रहे हैं सर संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई की जी। स्कूल में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनके साथ व्यवहार भाषा का प्रयोग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ के शिक्षक वो बच्चियों ने बताया है कि हमारे साथ कुछ गलत अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो आपके साथ यहाँ पर मैं निर्देशित कर रहा हूँ आपको कि आप जाएँ और एक महिला शिक्षिका को भी वहाँ पर लेकर के जाएं ताकि दोनों पक्षों को जानकारी। सर बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं, कोई घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा सर? निश्चित रूप से आपने जो चीज़ हमारे संज्ञान में लाई है उसकी मैं जांच करा रहा हूँ और व्यवस्था में सुधार आएगा ऐसा मेरा है। सर एक मामला और आया है, डबरा के रेलवे फाटक पर बच्चे 30 से 40 बच्चे क्रॉसिंग करते हैं, तो वहाँ पर ना तो कोई रेलवे विभाग जानकारी लेता है ना देखता है और ना कोई शिक्षा विभाग देखता है। तो आप वहाँ भी एक जांच करा लें किसी टीम को भेज करके दे और वो यहाँ आपका प्रतिवेदन जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से रेलवे